एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। यह श्लोक इस प्रकार है, भवन्ति नम्रा तरव फलोद्गमैहि नवाम्बु भिर्दुर विवलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणम। दोस्तों, इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, कोई भी पेड़ पर जब फल आते हैं तब वह पेड़ थोड़ा झुक जाता है और बारिश के समय पर बादल में जब ज़्यादा पानी भर जाता है और वह बादल वर्षा शुरू करने वाला होता है तब वह बादल आसमान में थोड़ा नीचे आ जाता है। उसी प्रकार सत्पुरुष या सज्जन व्यक्ति समृद्धि प्राप्त करने के बाद में भी उद्धत नहीं होता है, यानी कि विनम्र बना रहता है। दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य ऐसा है, मनुष्य को अपने गुण, अपने पद, आर्थिक स्थिति यह सब मिलने के बाद में भी अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, यही सत्पुरुष के सज्जन के लक्षण कहे गए हैं। अगर मनुष्य इस प्रकार अपनी सज्जनता बनाए रखता है, अपने विनम्रता और सत्कर्म शुरू रखता है, अपनी विनम्रता बनाए रखता है, अपने से छोटे लोगों का भी उचित आदर करता है, तो उस पुरुष की समृद्धि जीवन में हमेशा बनी रहती है और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, हमेशा अप्रिय वचन बोलने से परहेज रखिए और अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखिए और जीवन में कभी न कभी उच्च पद पर आप अवश्य पहुंचेंगे। धन्यवाद। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।